दिवस आज मैं लेकर आई हूँ चावल के आटे का चरहरी बनाने का। आज का नया ब्लॉग, और आज क्या हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसलिए देखो ना कैमरा में हूँ, मेरी तरफ मत देखो। आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? चावल का चरहरी। ओह, कैसे बनाई हो इसको तुम? पहले ये बताओ, ये तुम्हारा चावल का चरहरी है? एक कटोरा पानी में, एक कटोरा चावल के आटा में, पांच कटोरा पानी मिला के घोल बना दिए हैं। अच्छा। उसमें मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और गुल मिर्ची पाउडर और नमक डाल के घोल बना दिए, स्वाद अनुसार। और उसके बाद उसको खूब घाट दिए हैं। घाटने के बाद इस तरह का हो गया है। उसके बाद छोटा छोटा मैं बड़ी बना रही हूँ। ओके, बनाइए। और इस खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। किसी भी चावल दाल, अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है तो आप उसको बनाइए। इसको चौरेहरी बोला जाता है। बहुत अच्छा लगता है। अब इसको धूप में हम लोग सुखाएंगे। दो दिन ये पूरे कड़े धूप में सूखता है क्या? दो दिन सूखेगा और इसके बाद ये बन जाता है। तो यदि आपके यहाँ बहुत तगड़ा धूप निकलता हो तो ये आराम से बन सकता है। इतना का मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बनने वाला है। और ये देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, ना बहुत गीला होना चाहिए ना बहुत मोटा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ये छोटा छोटा लोई जैसा बन जाए। तो अब हम लोग इसको धूप में सुखाएंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूं। शुरू हो गया है और ये करीब दो दिन तक धूप में सूखेगा और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा।